आज की मेडिसिन है नेट्रम सेल्फ मेडिसिन। इसको हम डॉक्टर बोरिक की मटेरिया मेडिका से रीड करेंगे। तो सल्फेट ऑफ सोडियम ग्लोबल साल्ट इसका कॉमन नेम है, नेट्रम सल्फ्यूरिकम भी इसे कहा जाता है। अ लिवर रेमेडी, नेट्रम सल्फ जो है ये लिवर रेमेडी है, स्पेशली इंडिकेटेड फॉर द सो कॉल्ड हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन। हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन है, वाटर एक्सेस में है, इस तरीके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन को बिलोंग करती है साइकोटिक मियाज्म को। वेयर द कंप्लेंट्स आर सच एज आर ड्यू टू लिविंग इन डैम्प हाउस, ऐसे स्थान जहाँ पे नमी ज़्यादा है, बेसमेंट एरिया जैसे तहखाने, नम एरिया, सेलार्स हो गए, यहाँ पे रहने वालों को दिक्कतें होती है। दे आर वर्स इन रेनी वेदर, इसकी सारी तकलीफें रेनी बरसात के मौसम में बढ़ती है, वाटर से बढ़ती है, किसी भी फॉर्म में वाटर लेने से, क्योंकि इसका हाइड्रोजिनेट कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें पहले से पानी ज़्यादा है, इसीलिए इसको एक्सेस वाटर लेने से या बाहर से वाटर लेने से दिक्कतें बढ़ जाती है। फील्स एवरी चेंज फ्रॉम ड्राई टू वेट, मतलब सूखे से नमी वाले वेदर में या गीले मौसम बरसात की तरफ जाने में, जो मौसम में बदलाव होता है उस दौरान इसकी उसको तकलीफें बढ़ जाती है। कैन नॉट इवन ईट प्लांट ग्रोइंग नियर वाटर, ये वह प्लांट नहीं खा पाता जो कि पानी के आसपास उगते हैं, फिश मछलियाँ वगैरह। ऑलवेज फील्स बेस्ट इन वॉर्म, वॉर्म में इसको अच्छा लगता है, ड्राई एयर इसको अच्छी लगती है। क्लिनिकली इट हैज़ बीन फाउंड वैल्यूएबल रेमेडी फॉर स्पाइनल मेनिनजाइटिस, स्पाइनल मेनिनजाइटिस के लिए क्लिनिकली अच्छी वेरीफाइड मेडिसिन है। हेड सिम्टम्स फ्रॉम इंजरी टू हेड, मेंटल ट्रबल्स इसके लिए भी अच्छा काम करती है। एवरी स्प्रिंग रिटर्न्स ऑफ द स्किन अफेक्शन, स्प्रिंग बसंत के मौसम के दौरान इसके स्किन अफेक्शन जो है वो रिटर्न्स हो जाते हैं। टेंडेंसी टू वार्ट्स, इसको वार्ट्स की टेंडेंसी है, फिंगर्स एंड टोज अफेक्टेड रहते हैं वार्ट्स में। क्रोनिक गाउट जो है वो भी इसमें देखा जाता है, लाइकोपोडियम में भी क्रोनिक गाउट के लिए अच्छी मेडिसिन है। माइंड की बात करें तो लाइवली म्यूजिक से डांस, इसको नेट्रम ग्रुप को म्यूजिक से उदास हो जाते हैं, वो मेलेंकोनी देखने को मिलती है। विथ पीरियडिकल अटैक ऑफ मेनियास, मेनियास है मतलब कि अंदर से मोटिव फोर्स जनरेट होता है, जिसका उसका कोई मोटिव नहीं है लेकिन एक इनर्ट फोर्स जनरेट होता है, उसे मेनिया कहा जाता है। मेलेंकोनी उदास टाइप के लोग हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज रहती है नेट्रम सेल्फ में। मस्ट एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट देखने को मिलता है, इनएबिलिटी टू थिंक, सोच समझ नहीं पा रहा है, डिसलाइक टू स्पीक, बोलना नहीं चाहता, और टू बी स्पोकन टू, ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। ये हेड की बात करें तो यहाँ पे ऑसिपिटल रीजन में पेन होता है, स्टिचेस इन द ईयर, ईयर में स्टिचेस हो रहे हैं, चक्कर आते हैं इसको। रिलीव्ड बाय स्वेट ऑन द हेड, पसीना आने से इसको आराम मिल रहा है हेड में। ब्रस्टिंग फीलिंग ऑन कफ, कफिंग जब भी वो कफिंग कर रहा है तो उसको ब्रस्टिंग टाइप का भारीपन लग रहा है। हॉट फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ द हेड, जो टॉप ऑफ द हेड है उसको गर्म लग रहा है। और बोरिंग इन द राइट टेम्पल, राइट टेम्पल में ऐसा फीलिंग हो रहा है जैसे कोई बोर छेद कर रहा। प्रेसिडिंग बट बर्निंग इन द स्टोमक बर्निंग के कारण इस तरीके का हो रहा। इल इफेक्ट ऑफ फॉल एंड इंजुरीज टू हेड, इंजुरीज का इफेक्ट आ रहा है इसके ऊपर, मेंटल ट्रबल्स हो गए। ड्रीम्स ऑफ रनिंग वाटर, को नेट्रम सेल्फ को रनिंग वाटर बहते पानी के सपने आते हैं। ईयर्स की बात करें तो स्ट्राइकिंग पेन होता है, स्टिकिंग टाइप का पेन हो रहा है। ईयर एक लाइटनिंग लाइक स्टिचेस इन डैम्प वेदर, जैसे कि नम वेदर में लाइटनिंग होती है, बिजलियाँ चमकती है, उस तरीके का इसको पेन होता है। नोज की सिम्टम की बात करें तो कैटरल कंडीशन है, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन, येलोइश डिस्चार्ज नोज में आते हैं, साल्टी म्यूकस देखने को मिलेगा, कोराइजा है, एपिस्टेक्सिस नाक की ब्लीडिंग, और इथेमोइडाइटिस मतलब इथेमोइडाइट साइनस का इन्फ्लामेशन, फिर इथेमोइड बोन उससे रिलेटेड है। आइस की बात करें तो कंजक्टिवा जो है वो येलो है, लिड्स जो है ग्रेनुलर है, फोटोफोबिया भी देखने को मिलता है, यानी लाइट से इसको फियर लगता है। माउथ की बात करें तो इसमें स्लिमी थिक टीनिशियस वाइट म्यूकस, मुंह के अंदर भी इसको म्यूकस है, स्लिमी थिक म्यूकस है, बिटर टेस्ट कड़वा बनाता है मुंह में, और ब्लिस्टर्स हैं तो पैलेट के ऊपर इसको छाले हो रहे हैं। थ्रोट की बात करें, फफोले हो रहे हैं। थ्रोट की बात करें तो उसमें थिक येलो म्यूकस आ रहा है गले में भी, और पोस्टीरियर नियर से आ रहा है वो। स्टोमक में
वॉमिट्स हो रही है वो भी कैसी है, सोर वॉमिटिंग हो रही है, ब्राउन बिटर कोटिंग ऑन टंग, इसकी टंग जो है वो ब्राउन, कड़वापन तो ही माउथ में, कोटिंग ऑन द टंग, कड़वी कोटिंग है उसके टंग पे ब्राउन कलर की, येलो कॉम्प्लेक्शन देखने को मिलेगा। और थ्रस्ट वो समथिंग कोल्ड, इसको कोल्ड की थ्रस्ट है, बिलियस वोमिटिंग होती है, बाइल भी आ रहा है, एसिड डिस्पनिया, डिस्पेप्सिया, एसिडिक डिस्पेप्सिया नहीं, एसिड के कारण डाइजेशन में डिफ़िकल्टी हो रही है, विथ हार्ट बर्न, हार्ट में बर्निंग हो रही है, फ्लैचुलेंस यानी गैस पास कर रहा। एब्डोमन की बात करें तो ड्यूओडेनल कैटारल, ड्यूओडेनम में इन्फ्लामेशन है, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन का हेपेटाइटिस, लिवर का इन्फ्लामेशन, इक्टेरिश यानी कि जॉइंडिस, वोमिटिंग ऑफ बाइल, लिवर जो है वो सोर टू टच, जब इसे टच करते हुए वहाँ दर्द होता है, साफ स्टिचिंग पेन हो रहा है वहाँ पे, बियर टाइट क्लोथिंग अराउंड वेस्ट, ये मतलब कि ये कैन नॉट बियर, ये टाइट कपड़े नहीं पहन पाता वेस्ट कमर के आसपास, वो इस लाइन ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में तकलीफें बढ़ रही है, फ्लैचुलेंसी देखने को मिलती है, वाइन कोलिक हवा के साथ जो कोलिक हो रहा है असेंडिंग कोलान में, वोज बिफोर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट से पहले इसकी तकलीफें बढ़ जा रही है कोलिक की, बर्निंग हो रही है एब्डोमेन में और एनस में भी बर्निंग है, ब्रूस पेन है एंड अर्जिंग टू स्टिल, स्टिल पास करने की डिज़ायर है, डायरिया येलो हो रहा है इसका, वाटरी स्टूल हो रहा और लूज मॉर्निंग स्टूल, लूज स्टूल पास करता है मॉर्निंग के दौरान, वोज आफ्टर स्पेल ऑफ वेट वेदर, वेट वेदर में इसकी तकलीफें बढ़ रही हैं, स्टूल जो है इनवॉलंटरी पास हो जाता है, फ्लेटस के साथ पास होता है, गैस भी आ रही है उसमें, ग्रेट साइज ऑफ फिकल मास, ठीक है। यूरिन की बात करें तो यूरिन जो है वो बाइल रहेगा उसमें और सेडिमेंट्स रहेंगे, डिस्क डस्ट सेडिमेंट्स रहेंगे जमे हुए, एक्सेसिव सेक्रीशन हो रहा है, डायबिटीज़ टाइप का देखने को मिल रही कंडीशन इसमें। फीमेल की बात करें तो उसमें नोज ब्लीडिंग हो रही है मेंसेस के दौरान, मेंसेस के दौरान इसको नाक से ब्लीडिंग हो रही है, पिस्टेक्सिस हो रही है, विच आर एक्रीड नेचर की होती है, जलन हो रही है प्रोफ्यूज यानी ज़्यादा क्वांटिटी में, बर्निंग इन द फेरिंग्स, फेरिंग्स में भी इसको जलन हो रही है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, और हर्पेटिक वल्वलाइटिस मतलब हर्पिस इन्फेक्शन के दौरान जो वल्वा का इन्फ्लामेशन है वो देखने को मिल रहा, ल्यूकोरिया है जो येलोइश ग्रीन कलर का है और गोनोरिया के साथ हो रहा है ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया विथ हॉसनेस, वाइस में हॉसनेस भी देखने को मिल रही है। मेल की बात करें तो उसमें कोंडाइलोमेटा, सोप्लेसी एग्जर्सननेस देखने को मिलेगी और ग्रीनीज डिस्चार्ज आ रहा है, कोंडाइलोमेटा है ग्रीनीज डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, गोनोरिया है ग्रीनीज लिटिल डिस्चार्ज आ रहा है उसके भी और पेन के साथ है, रेस्पिरेटरी सिम्टम डिस्पनोइया है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यूरिंग डैम वेदर के दौरान इसको डिफ़िकल्टी हो रही है, मस्ट होल्ड चेस्ट वेन कफिंग, जब भी कफिंग करता है तो ये चेस्ट को पकड़ के बैठ जाता है, ह्यूमिड अस्थमा, इसको नमी के कारण जो अस्थमा हो रहा है और चेस्ट में रेटलिंग है, गड़गड़ाहट है, 4 से 5 AM पे मेनली ऐसा होता है, कफ है, थिक रोपी ग्रीनिस एक्सपेक्टोरेशन के साथ, मतलब कि ग्रीनिस कलर का एक्सपेक्टोरेशन मिल रहा है कफ के दौरान, और चेस्ट में सारे सेंसेशन फिल गोन है, आल गोन सेंसेशन चेस्ट में, कॉन्स्टेंट डिज़ायर है इसको टेक डीप लॉन्ग ब्रीथ की, मतलब लंबी सांस लेने की इसको डिज़ायर बनी रहती है, अस्थमा है चिल्ड्रंस का एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब कि बच्चों के अस्थमा में ये एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की तरह काम करती है, डिलेड रिजुलेशन इन निमोनिया, जो निमोनिया का डिलेड रिजोल्यूशन हो रहा है उसमें भी अच्छा काम करती है, उसके स्टेजेस में हम पढ़ते हैं निमोनिया में तो अर्ली स्टेज होती है ग्रे हेपेटाइजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, रिजोल्यूशन की स्टेज, तो उसमें भी डिलेड स्टेज में काम करती है, स्प्रिंग अप इन बेड द कफ हर्ट्स, स्प्रिंग के दौरान इसको कफ भी बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, पेनफुल साइड को पकड़ लेता है, ब्रायोनिया में भी ऐसा होता है, पेन दो लोअर लेफ्ट चेस्ट में पेन हो रहा है, और फ्रेश कोल्ड ब्रिंग अटैक ऑफ अस्थमा, मतलब कि एवरी अटैक जो होता है नया होता है अस्थमा का, बैक में भी इसको इचिंग हो रही है वायलेंट पेन के साथ है, नेक में और बैक में एंड बेस ऑफ द ब्रेन में भी ऐसा देखा जा रहा है, पियर्सिंग टाइप का पेन है, स्कैपुलर रीजन में स्पाइनल मेनिंजाइटिस और ओपिस्थोटोनस कंडीशन भी देखने को मिलती है, कन्वल्जेंस के दौरान ओपिस्थोटोनस पोजीशन बनती है वो बताया है यहाँ पे। एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो एक्सिलरी ग्लैंड्स जो है उसमें स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा नेल्स के आसपास,
बर्निंग हो रही है सोल्स में, और इडिमा भी है फीट का, इचिंग हो रही है टोस में, गाउटी कंडीशन देखने को मिलेगी, लिम्स में दर्द हो रहा है उसको, और फ्रिक्वेंट चेंज करता है पोजीशन, पेन हो रहा है हिप जॉइंट में, लेफ्ट वॉर्स वॉर्स लेफ्ट से वॉर्स स्टूपिंग से, इसको झुकने से दिक्कतें बढ़ रही है, स्टीपनेस देखने को मिलेगी नीज़ में, क्रैकिंग ऑफ द जॉइंट, जॉइंट में इस तरीके का क्रैक हो रहा है, रोमेटिज्म देखने को मिलता है यहाँ पर, वॉर्स इन डैम कोल्ड फेदर, डैम कोल्ड फेदर से दिक्कतें बढ़ रही, स्किन में इचिंग हो रही है, वाइल अंडरस्टैंडिंग अनड्रेसिंग, जब भी वो कपड़े उतारता है तो उसको इचिंग होती है वहाँ पर, जॉइंट मतलब जॉइंटिस में भी देखा जा रहा है स्किन में, और ब्लिस्टर्स है, साइकोटिक एग्जर्सननेस है इसको, वाट लाइक रेड लम्स हैं, वाटी कंडीशन देखने को मिल रही है ऑल ओवर द बॉडी, मोडालिटीज़ तो इसको म्यूजिक से तकलीफें होती है, म्यूजिक उसको उदास कर देता है, लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, डैम्पनेस ऑफ बेसमेंट, डैम्प वेदर, नम तहखाने, नमी वाले वेदर, उससे दिक्कतें होती है, पर बेटर किससे होता है, ड्राई वेदर से, प्रेशर चेंजिंग पोजिशन से, और इसको कंपेयर कर सकते हैं नेटम सक्सीनेट से, ठीक है, फाइग्रेन एवरी 3 आवर्स में, कैटरल जॉन्डिस में, मलेरिया ऑफिसनलिस से कंपेरिजन कर सकते हैं, डिकम्पोज वेजिटेबल मैटर हैज़ एविडेंस पावर टू कॉज डिसअपीयरेंस ऑफ द प्लाज्मोडियम ऑफ मलेरिया, मलेरियल के किक्स या जो वीकनेस हो रही है मलेरिया में उस दौरान भी ये मलेरियन ऑफिसनलिस अच्छा काम करती है, स्प्लीन अफेक्शन, मलेरिया एंड रोमेटिज्म, तो इन सब में अपन को नेटम सल्फ से कंपेरिजन करना है, और साथ में नेटम कोलियनिकम से भी कंपेयर कर सकते हैं, प्लम्पो वल्पिस से जिसमें वॉल्फ लंग में कंपेरिजन करना होता है, नेट्रम आयोडम से, और इसके साथ साथ क्रोनिक कैटरल अफेक्शन में ये से जैसे कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एंजाइना पेक्टोरिस, इन सब कंडीशन में नेट्रम आयोडेट से करना है कंपेरिजन हमें, और कॉम्प्लीमेंट्री है आर्सेनिक और थोजा की, इसका डोज की बात करें तो फर्स्ट ट्वेल्थ टू ट्वेल्थ टाइट्रेशन तक इसका डोज दिया जाता है।